नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं एस्ट्रो सेज के यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह मैं फिर लौट आई हूं दैनिक राशि फल के साथ, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए 2 मार्च यानी कि बुधवार का दिन। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये राशि फल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। अच्छी सेहत के चलते आप किसी खेल कूद की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच लें, अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, नहीं तो इन बातों के बाहर फैलने का खतरा है। आसमान ज्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज्यादा रंग दिखाई देंगे, आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे कामों में पड़ने से बचें जिससे आपका लेना देना नहीं है। आज आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको नीचा दिखाया जा रहा है, जहां तक संभव हो इसे नजरअंदाज करें। आज का आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर नीले कपड़े में 7 काली उड़द के दाने, 7 काली मिर्च, 1 कच्चा कोयला किसी भी सुनसान जगह दबाएं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। रिश्तेदारों के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। आज टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख के आप अपना वक्त बिता सकते हैं, पर ऐसा करने से संभव है कि आप जरूरी कामों को करना ही भूल जाएं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौते का नाम है? अगर हाँ तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आज का आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर त्रिफला का सेवन किसी भी रूप में कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने जज्बात को काबू में रखें। आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुधरेंगे। पारिवारिक सदस्यों की मदद आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगी। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को ना लेने दें। एकांत में वक्त बिताना अच्छा तो है, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर होकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। आज का दिन उन्माद से घर जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। आज का आपका शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर पक्षियों को सतनाजा खिलाएं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। दोस्तों के साथ शाम अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा खाने से बचें क्योंकि ये आपकी अगली सुबह खराब कर सकती है। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने। आज घर में अधिकतर समय आप सोकर गुजार सकते हैं। शाम के वक्त आपको महसूस होगा कि आपने अपना कितना कीमती समय बर्बाद किया है। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। आज का आपका शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर हल्दी गांठ, केसर, पीला चंदन, पीली दाल का अधिक सेवन करने से आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। बेकार की बात पर बहस करके अपनी ऊर्जा जाया ना करें। याद रखें कि वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन खोता जरूर है। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकती है, साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी आपको तकलीफ महसूस होगी।
आपकी अतिरिक्त काम करने की क्षमता उन लोगों को चौंका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे कमतर है। आज घर के लोगों से बातचीत करने के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी वक्त निकल सकता है। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी सब बात समझेगा और आपको गले से लगा लेगा। आज का आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर पक्षियों को सतनाजा खिलाएं, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। नफरत की भावना महंगी पड़ सकती है। यह ना केवल आपकी सहन शक्ति घटाती है बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, फिर चाहे आपने उनके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। एक तरफा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। अपने बच्चों को आज आप समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आज आप शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आपका आज का शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर सुगंधित चीजों का प्रयोग करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। अपनी बीमारी के बारे में चर्चा करने से बचें। खराब तबीयत से ध्यान हटाने के लिए कोई और दिलचस्प काम करें, क्योंकि इस बारे में आप जितना ज्यादा बातें करेंगे उतना ही ज्यादा तकलीफ आपको महसूस होगी। आपने बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसों की जरूरत होगी लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। बहन का स्नेह आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपक होने से बचें, क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। आप आज प्रेम पूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। ये शादीशुदा जिंदगी के खास दिनों में से एक हो सकता है। आपको प्रेम की गहराइयों का अनुभव होगा। आज का आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर भैरव जी की पूजा करिए, इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव में आज आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी नीचता पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का ये सही समय है। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आज आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इस बारे में बात करें। दूसरों की कमियां ढूंढना और गैर जरूरी काम रिश्तेदारों की आलोचना का रुख आपकी ओर मोड़ सकता है। आपको समझना चाहिए कि ये केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बेहतर रहेगा कि आप अपनी इस आदत को बदलें। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। अगर आपके जीवन साथी की सेहत के चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाती है तो चिंता ना करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे। आज का आपका शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष को केसर से तिलक कर पीले कच्चे धागे से बांधने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। बात करते हैं धनु राशि की। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी को दूर कर देगी। लंबे समय से अटके फैसलों को अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिलेगी और नई योजनाएं आगे बढ़ेंगी। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करे और इस दिन को यादगार बना दे। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। आज का आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए उपाय के तौर पर नियमित गायत्री मंत्र व गायत्री चालीसा पढ़ें। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक अनास्था लालच जैसी खराबियों से बचाएगा। अगर सफर कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामान के चोरी होने की संभावना है।
किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्या में मदद करने से आपको उनका आशीर्वाद मिल सकता है। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। अपना कीमती समय सिर्फ योजना बनाने में बर्बाद ना करें, बल्कि उसकी ओर कदम बढ़ाएं और उस पर अमल करना शुरू कर दें। आज आपको अपने कामों को समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। ख्याल रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है जिसको आपकी ज़रूरत है। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं था। आज का आपका शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर बाहर जाते समय केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाएं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। शराब से दूर रहें, क्योंकि इससे आपकी नींद में खलन पड़ेगी और आप गहरे आराम से महरूम रह सकते हैं। इस राशि के जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास लाएगा। वे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छा महसूस होगा। आज का आपका शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर गेहूं और गुड़ गाय को खिलाएं, इससे आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। तल्ख बर्ताव के बावजूद आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। जीवन साथी की वजह से आज आपको अनमने ढंग से बाहर जाना पड़ सकता है, जो बाद में आपकी छल्लाहट की वजह बनेगा। आज का आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर गरीब छात्रों की पढ़ाई में सहायता करने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और इससे प्रेम संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे शेयर जरूर करिए। मैं कल फिर लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तान्या यादव आप सभी से लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।